यस सर, तो आज के हमारी इस क्लास में हम यूज करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं पावर पॉइंट के बारे में। तो लास्ट क्लास में तो सर रिकॉर्डिंग की हाँ दे अप्रोच देता देते हूँ, हैं, रिकॉर्डिंग की परमिशन आपको दे देता हूँ जितेंद्र जी। और लास्ट रिकॉर्डिंग की सर लिंक नहीं मिली है अभी तक। तो हमने लास्ट क्लास में इंसर्ट में थे, राइट? तो इंसर्ट में हमने इलस्ट्रेशन 3 मॉडल कर लिया था, उसके बाद जो कुछ चीजें ये हाँ आई थिंक इंसर्ट हो गया था हमारा, राइट? ओ मीडिया पे गया था लास्ट ओके वीडियो मीडिया, वीडियो। जी हाँ। अब हम बात करते हैं मीडिया पे, मतलब कि आप अपने पावर पॉइंट में कोई एक्सटर्नल मीडिया को कैसे ऑन कर सकते हो, राइट? के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि वीडियो में दो चीजें, एक ऑनलाइन वीडियो है, एक हमारा फ्रॉम पीसी है। ऑनलाइन वीडियो जैसे कि आप कोई यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब वगैरह या कोई और वेबसाइट का लिंक अगर डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूब लिंक लेके आता हूँ, मान लीजिए हम इसी को लेकर आते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा ऑनलाइन वीडियो है, इस पर क्लिक करने से प्ले भी शुरू हो जाएगा। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे रिलेटेड रेफरेंस में आप देना चाहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो पड़ा हुआ है वहां से उठाना है। जैसे कि मैं अपनी चैनल आईपीटी इंडिया सर्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टॉप वीडियोज यहाँ पर दिख जाए, तो उस केस में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसी को उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ से, Your business idea needs a website, so go to और यहाँ पे हम इंसर्ट में ऑनलाइन वीडियो। अब फ्रॉम ऑनलाइन वीडियो क्यों यूज किया जाता है, सॉरी फ्रॉम ऑनलाइन वीडियो यूज क्यों किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपने वीडियो फॉर्म पीसी से तैयार किया, वीडियो फॉर्म पीसी से तैयार किया, दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आपकी उसी पीसी पर रन करेगा, किसी और पीसी पर रन नहीं हो, मैं उसके साथ अटैच होके नहीं जाएगा सर, बात समझे? यस सर, उस पीसी पर अटैच होके नहीं जाएगा सर, इसलिए, राइट सर? यस सर, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो चीजें की है, एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वापस मुझे क्रोम खोलना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो फॉर्म ऑनलाइन हम इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ एक चीज देखिए, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, और फिर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ नीचे, और हम इसको छोटा करते हैं।
जैसे कि इस पे मैं आता हूँ और यहाँ इंसर्ट में हमारे पास जूम है, तो जूम स्लाइड में हम स्लाइड टू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जूम स्लाइड, ओके, तो ये इस पे नहीं है, इंसर्ट होगा इस पे, हम इसको छोटा कर देते हैं, इसको कॉर्प भी कर सकते हैं हम यहाँ से। कहाँ हो गया इसकी डिजाइन, कॉर्प का ऑप्शन नहीं है, इसमें कॉर्प का ऑप्शन नहीं है, कॉर्प नहीं कर सकते हम, तो ये दिखेगा ही दिखेगा। इससे फायदा क्या होगा, जैसे हम F5 किया हमने और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, समझ गए, तो यहाँ इसको प्ले कर सकते। फिर मैं यहाँ पे इस पे वाले पे या नीचे वाले, यहाँ ये हो गया आपका, हाँ नीचे वाले पे मैं यहाँ पे जूम स्लाइड देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे जूम पे आते हैं, जूम स्लाइड, जूम समरी करेंगे तो एक नया शीट क्रिएट कर देगा, समरी बना देगा, तो हम जूम समरी निकलना चाहते हैं, और यहाँ पे हम जूम पे आते हैं और स्लाइड वन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूट्यूब पर होता है एक क्लिक करने पर दूसरा वीडियो ओपन होता है, उस तरह से ये ओपन होगा। F5 कीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये वीडियो प्ले तो करना है, क्लिक करके प्ले कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे इस वीडियो को देखना है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ए वीडियो आ जाएगा, और फिर वापस इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ए वीडियो आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग इस तरह से प्ले होंगे। ठीक है सर, यस सर, बहुत इफेक्टिव क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं तो वीडियो में यूट्यूब में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई फाइल वीडियो लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई फाइल से वीडियो ले लिया, मान लीजिए जो है डेस्कटॉप पे बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं ना, मान इसी वीडियो को हम फाइल तो फाइल का वीडियो भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कहीं और किसी को मेल करोगे तो उसको ये वीडियो रन नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो का जस्ट लिंक आया है, वीडियो नहीं आया है, समझे। तो समझ में आ गया, वीडियो ऑनलाइन कैसे लेंगे पता चल गया, और सिस्टम मतलब कि सिस्टम्स का कैसे लेंगे, कोई डाउट इसमें। अब नहीं सर, जैसे कि हमने वीडियो प्ले कर दिया तो इसकी कोई फॉर्मेटिंग है, जैसे कि वीडियो फॉर्मेट में आते हैं, एक तो यहाँ पे अपनी वीडियो की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो कि वीडियो किस स्टाइल में आपको दिखेगा, किस फ्रेम में दिखेगा, वो फ्रेम यहाँ पे से टीवी LED स्क्रीन का फ्रेम है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका वीडियो इस तरह से दिखेगा, लेकिन वीडियो दिखेगा तो ऐसे ही जो नॉर्मल होता है, बट आपका जो इसका फॉर्म फ्रेम होता है वो फ्रेम कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसकी प्ले अभी प्ले करना चाहते हो तो प्ले हो जाएगा, करेक्शंस इसकी इमेज वगैरह में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेम पोस्टर, तो यार मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो वीडियो का पोस्टर आ रहा है ये नहीं चाहिए, मुझे खुद का पोस्टर चाहिए, तो मैं यहाँ से फाइल से या ऑनलाइन पिक्चर से भी उठा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इसको उठा लिया,
ये रहेगा, लेकिन ओपन होने पे वीडियो आपका वही ओपन होगा जो ओपन आप करना चाहते हैं। ओके सर, तो ये फ्रेम पोस्ट होता है। रीसेट मतलब जैसा था वैसा वापस रीसेट कर दोगे तो जैसा था वैसा रीसेट हो जाएगा आपका, रीसेट डिजाइन एंड साइज, तो सब रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वीडियो का सैप्स की सैप्स की सैप्स में रखना चाहते हैं, वीडियो का बॉर्डर क्या रखना चाहते हैं, वीडियो पे क्या 3D इफेक्ट करना चाहते हैं। वीडियो दिखने में इफेक्ट होगा, जब वीडियो चलेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, वो नॉर्मल होगा। उसके बाद इस वीडियो पे के ऊपर कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऑल टेक्स्ट पे आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये ऑल टेक्स्ट मींस कमेंट जैसा ना। उसके बाद यहाँ पे आप इन फॉरवर्ड लाइन नॉर्मल करते हैं, कॉर्प वगैरह कर सकते हैं, जो नॉर्मल आपने पिक्चर में किया था वही यहाँ पे भी है। प्लेबैक में हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे जैसे कि हमने किया तो यहाँ पे प्ले आप प्ले कर लीजिए, इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में स्लाइस, बट इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि बुक मार्क, इसमें आप बुक मार्क नहीं दे सकते, लेकिन आपने जो सिस्टम से किया है उसमें बुक मार्क दे सकते हैं आप, कि इस पर कोई कोई जो है बुक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, बुक मार्क समझते हैं क्या होता है, उस पर क्लिक हाँ वही पावर पॉइंट में बुक मार्क का क्या यूज होता है? एक जगह से जैसे मान लीजिए ना हमने ये आपका बुक मार्क हो गया, मान लीजिए मुझे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे प्लेबैक में गया और बुक मार्क ऐड कर दिया, तो जब मैं इसको प्ले करूँगा, जब मैं इसको प्ले करूँगा शुरू से प्ले हो रहा है ना, मैं इस बुक मार्क पे क्लिक करूँगा एरर बैकग्राउंड चेकिंग कलर। ओके जैसे मान लीजिए वीडियो आपने देख लिया, देखने के बाद आप चाहते हो कि मैं किसी को वीडियो दिखाऊं तो यही पे एग्जैक्ट दिखाऊं, जैसे कहीं मैं मान लीजिए कोई गलत वीडियो में कोई गलत है, मेरे वीडियो ले लीजिए आप, कहीं आपको लगा कि मैं गलत कर दिया तो मुझे आप दिखाओगे तो आप पूरा वीडियो को चला चला कर धीरे 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 करके देखोगे ना सर कहाँ पे गलती किया है, किस टाइम में गलती किया है, तो डायरेक्ट बुकमार्क लगा दो, क्लिक करते वहीं पे चला जाओगे। राइट, रिमूव करना है तो रिमूव कर दो। उसके बाद आता है ट्रिम वीडियो, दिख रहा है आपको सर, ट्रिम वीडियो मतलब कि वीडियो में से आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाना है, कुछ पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट दिखाना है, जैसे यहाँ से दिखाना है मुझे, पूरा वीडियो नहीं दिखाना है, पहले कुछ पार्ट को काट देना है। ओके कर दीजिए, ये आपका वीडियो ट्रिम हो गया। ठीक है ना, फ्रेम सेट 0 है, मैं बढ़ा दिया पर सेकेंड का, मैंने कि फैट ड्यूरेशन जो होता है वो, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना, हाई पे मीडियम पे म्यूट, वॉल्यूम हटाना चाहते हो हटा सकते हो, फुल स्क्रीन प्ले करना चाहते हो फुल स्क्रीन प्ले हो जाएगा, हाइड वाइल जब नॉट प्लेइंग, जब पे प्ले नहीं होगा तो हाइड होगा तो उसका यूज कर सकते हो, लूप अनटिल स्टॉप इट मतलब कि ये बार बार रिपीट होके चलता रहे एक के बाद एक, मतलब एक बार इसी वीडियो का स्टार्ट हुआ खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और लूप अनटिल स्टॉप, हाँ लूप अनटिल स्टॉप ही बताया आपको मैंने, जब तक मैं खुद से स्टॉप में हूँ तब तक। ओके, और इसके बाद यहाँ पे होता है रिवाइंड आफ्टर द प्ले, मतलब प्ले होने के बाद वापस मैं अगर स्टॉप भी कर दिया फिर वापस स्टार्ट करूंगा, मैं पॉज कर दिया फिर स्टार्ट करूंगा तो फिर वापस मेरा रिवाइंड हो जाए। ओके, समझे? ओके, इसका यूज होता है। इंसर्ट कैप्शन, मतलब इसमें कुछ लिखना चाहते हो कुछ कैप्शन वगैरह तो आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं, यहाँ पे कैप्शन होता है, WebKTR फॉर्मेट होता है, नीचे टाइटल वगैरह होता है और डालना होता है, ये अलग चीज़ है सर, इसके लिए बनाना पड़ेगा फाइल मुझे। तो फॉर्मेट और प्लेबैक समझ गया, तो ये सब चीज़ें बाकी सिस्टम वीडियो पे इफेक्ट करती है, ऑनलाइन वीडियो पे इफेक्ट नहीं करती है। ओके, अब बात करते हैं ऑडियो। अब यहाँ पे दो चीज़ें, ऑडियो फ्रॉम योर PC, मतलब पहले से आपने ऑडियो रख रखा है उसको ले लीजिए, या फिर आप यहाँ खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का नाम दीजिए, यहाँ पे कर दिया टेस्ट, नाम कुछ भी दे दीजिए और यहाँ पे यहाँ से रिकॉर्ड शुरू कर दीजिए, तो अब जो हमारी बातचीत हो रही है वो सारा का सारा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है आपके माइक से।
तो अगर कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो वीडियो तो है, आप ऑडियो में एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो यहीं पे आप ऑडियो कर सकते हैं, और फिर इसका स्टॉप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पे आपका ऑडियो ऐड हो गया। और ऑडियो में यहाँ पे आपका ऑडियो का फॉर्मेट है, करेक्शन होना चाहिए, इफेक्ट, रीसेट पिक्चर्स, चेंज पिक्चर्स दिख रहा है आपको, बाकी सारी फॉर्मेटिंग वही है जो था। प्लेबैक में आते हैं तो आपका प्ले करना है, या फिर आपको बीच में कहीं बुक मार्क ऐड करना है कि नहीं यहाँ से बुक मार्क होना चाहिए तो बुक मार्क कर सकते हैं, ऑडियो को कुछ काटना छाटना है, वॉल्यूम बढ़ाना वगैरह है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्ले इन बैकग्राउंड मतलब कि मेरे जैसे म्यूजिक वगैरह रखना चाहते हैं तो स्लाइड के बैकग्राउंड में चलता रहे, ठीक है। ओके यहाँ ऑडियो पे, तो ऑडियो समझ में आ गया आपको। यस अब बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ वेबसाइट बना, ये हमारी जो वीडियो बनती है जो अभी जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ये भी हमारा क्या सर। है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा स्क्रीन को कैप्चर करेगा, जिस जिस स्क्रीन पे, तो यहाँ उस स्क्रीन को यहाँ से कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे रिकॉर्ड शुरू कर देता। तब याद रखिएगा ये जो है आपका, अब मान लीजिए कि मैं YouTube पे एक वीडियो चलाया, मान लीजिए नाम देखिए YouTube पे मैं अपना एक वीडियो चलाता हूँ, अपना एक वीडियो चलाता हूँ Would you like to master Excel charts and graphs and take your data viz skills to the और next level? मुझे I'm Chris Dutt. मुझे यहाँ पे ये जो हुआ, यहाँ से मुझे ऐसा नहीं होना वो चाहिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है तो मैं पॉज कर दिया और उसके बाद फिर मैं चला गया कहाँ पे, अपने पावर पॉइंट पे, और फिर मैं स्क्रीन कैप्शन पे चलाऊंगा और फिर मैं एक एरिया यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे स्क्रीन एरिया को लिया और हम एक स्क्रीन एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कितने एरिया को रिकॉर्ड करना है, और फिर इस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ प्ले पे क्लिक कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्लाइसर। तो चलिए हम स्लाइसेस ठीक के बारे है में समझाते हैं आपको। तो हम यहाँ से ऑडियो यू रखना रखना है, रखिए नहीं रखना, रखा दिया, और फिल्टर जब डाल आपका दिया, रखने खत्म में हो कोई जाए दिक्कत नहीं, रख रिकॉर्डिंग सकते भी इसको हैं। स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद हम पिवट स्टॉप कर टेबल एनालाइज दिया। में जाते हैं। स्टॉप करने के बाद आप पावर पॉइंट पे वो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो इस वीडियो को मैं रन कर सकता, ऐसे रन नहीं कर सकता, मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा। लाइक ऐसे क्लिक क्लिक में प्ले होना, ठीक है। ऑडियो के साथ ऑडियो रखना है, रखिए नहीं रखना है, और जब आपका खत्म हो जाए रिकॉर्डिंग इसको यहां से स्क्रीन कैप्चरिंग इस तरह से करते हैं। अब बोलोगे फिर इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि ये तो हमारा ये है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, क्या इसको एक्सट्रैक्ट ऐसे भी किया जा सकता है, इसको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे यहाँ लिखा है दिखा, सेव मीडिया एज, इस मीडिया को आप सेव कर सकते हैं किसी मूवी मीडिया फाइल में या मूवी फाइल में जो भी है, दिख रहा है आपको। और यहाँ तक कि पूरी की पूरी स्लाइड को भी आप सेव कर सकते हैं, फिर इसमें किसमें, वीडियो में, प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे आपको आ जाएगा MP वीडियो, दिख रहा है आपको। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके तो हमने इंसर्ट मेनू बार हमने खत्म कर लिया, अब अगला हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो डिजाइन मेनू बार स्टार्ट करेंगे, और कल मैं डिजाइन खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशन भी है, ये भी इजी है, इसको भी खत्म कर दूंगा कल, दो टाइम में खत्म कर दूंगा। उसके बाद एनिमेशन थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है, एनिमेशन पे रहेगा, फिर स्लाइड शो पे आते हैं, स्लाइड शो भी खास नहीं नॉर्मल है, व्यू रिव्यू भी आपका खास नहीं, मतलब कि आप समझिए कि आपका जो और मेनू बार है वो 3 या 4 क्लास का है, 4 क्लास में खत्म हो जाए, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रोफेशनल्स मतलब 3-4 प्रोफेशनल PPT बना के हम सारे चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, ओके सर व्यू ठीक है सर। टैब सर स्लाइड मास्टर वाला टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट था। क्या बोल रहे हैं, तो व्यू टैब में जो स्लाइड मास्टर टॉपिक है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। हाँ मैं बढ़ा दूंगा साइड मास्टर, थैंक ओके सर ठीक यू। हम्म।